नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महबूबा ने कहा कश्मीरी अलगाववादियों को मिल रहा है विदेशी फंड। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलगाववादियों को हवाला समेत विभिन्न माध्यमों से विदेशी फंड मिल रहा है। राज्य के गृह मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही मुफ्ती ने विधानसभा में विभिन्न रिपोर्टों के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि रिपोर्टों में किसी विशेष अलगाववादी समूह के विदेशी रकम लेने का जिक्र नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों के भीतर सुरक्षा बलों ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे 35.70 लाख से अधिक की रकम, $900 अमेरिकी, 33 स्वर्ण के सिक्के जब्त किए हैं। इसी अवधि में 259 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सपा और भाजपा दंगे कराना चाहती है, मायावती ने कहा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने आशंका जताई है कि सपा और भाजपा मिलकर राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले दंगा कराना चाहती है। मायावती ने कहा कि दोनों की सरकारें सभी मोर्चों पर फेल हैं, इसलिए वे यहां चुनाव के पहले दंगा कराना चाहती है, लेकिन जनता सब समझती है साजिश सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि एक समाचार चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में दोनों दलों के एक एक नेता को इस तरह की साजिश करते सुना गया है। तीसरी पास करने से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं 60% छात्र। शिक्षा का अधिकार कानून और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद 6 से 13 वर्ष आयु वर्ग के 60% छात्र तीसरी कक्षा पास करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। बच्चों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने आज जारी रिपोर्ट में यह बात कही। भारत में यूनिसेफ के प्रतिनिधि लुई जॉर्ज अर्सनल रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आने से देश में शिक्षा की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। 6 से 13 साल की उम्र के स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2009 के 80 लाख से घटकर 6 लाख रह गई है, लेकिन अभी भी काफी चुनौतियां मौजूद हैं। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या के सूत्रधार मुनीर को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने नोएडा में गिरफ्तार कर लिया है। एफटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गत 2-3 अप्रैल की रात को एनआईए के अधिकारी अहमद और उनकी पत्नी फरजाना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या करने के मास्टरमाइंड मुख्य अभियुक्त मुनीर को नोएडा में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वारदात में 24 गोलियां लगने से अहमद की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी फरजाना ने वारदात के 10वें दिन दिल्ली स्थित एम्स में दम तोड़ दिया था। भारत पाकिस्तान को शामिल करने से एससीओ का मुद्दा भटकेगा, चीनी अखबार ने कहा। शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए भारत और पाकिस्तान के कदम बढ़ाते ही चीन के एक सरकारी अखबार ने मंगलवार को चिंता जताई कि उनके क्षेत्रीय और धार्मिक विवाद से समूह का कामकाज बाधित होगा और इसके मुद्दे प्रभावित होंगे। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि नए सदस्यों के शामिल करने से एससीओ का कुनबा बढ़ेगा, लेकिन दक्षिण एशिया की 2 शक्तियों को शामिल करने से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।